दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच रही है और इस अफरा तफरी के बीच घर में चल रहा है बीबी कार्य। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टास्क चल रहा है और इस टास्क की सारी अपडेट्स और हम आज के एपिसोड का प्रीव्यू आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो बात करने वाले हैं आज के पूरे एपिसोड के बारे में कि आज क्या क्या हो सकता है, कौन गलत और कौन सही साबित होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर के अंदर कोई भी टास्क ईजिली तो कम्प्लीट होता ही नहीं है, किसी न किसी को अपना दिमाग आगे से लगाना ही होता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जहाँ पहला राउंड जो है आसिम ने जीता, तो वहीं अब जो दूसरा राउंड है वो रद्द कर दिया गया और तीसरा राउंड डिसाइडर राउंड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी और कैप्टेंसी किसके हाथ में जाने वाली है। अब आपको बता दें कि तीसरा राउंड जो है आसिम की टीम जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जीतने से पहले घर के अंदर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने वाले हैं। तीसरे राउंड के लिए घर के अंदर कई लोगों को चोटें लगने वाली है और किसी भी तरीके से इस राउंड को जीतने के लिए हर कोशिश करते हुए नजर आएंगे माहिरा और पारस की टीम। जहां दोनों टीमों के लीडर यानी पारस और आसिम अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे, तो वहीं इसी बीच कई लोगों को चोट लग जाएगी। यही हम आपको बता दें कि जो माहिरा है वो सिद्धार्थ शुक्ला को हर बात पर टारगेट करती नजर आएंगी। वो उन्हें ये तक कह देंगी कि एक बार जब तुम्हें वायलेंस करने की सज़ा मिल चुकी है फिर भी तुम बाज नहीं आ रहे, और ये बात जानने के बाद सभी लोग माहिरा से ये कहने लगेंगे कि तुम सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हो और इस बात का माहिरा को बेहद बुरा भी लगने वाला है। यहाँ पर माहिरा रियलिटी में सिद्धार्थ शुक्ला को फर्स्ट डे से टारगेट करती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम इस बार के सीज़न की बात करें तो पहले दिन से ही इन दोनों की बनी नहीं और ठनी इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत। हर बात में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये दोनों एक दूसरे से मानो बात तो करना जानते ही नहीं हैं। वहीं अब टास्क जो है आसिम की टीम जीत जाएगी और इस बीच सबसे बड़ा हाथ रहने वाला है घर में और इस टास्क को जिताने के लिए शेफाली जरीवाला का। वो भी इस बार घर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की तरह उभरती नज़र आ रही हैं, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्ट के साथ। घर में और भी सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपको बता दें कि घर के अंदर आज आपको शहनाज और हिंदुस्तानी भाऊ के बीच में धमाकेदार धमाके देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों हिंदुस्तानी भाऊ जो कि बहुत बड़े एंटरटेनर हैं इंटरनेट वर्ल्ड के, वहीं अब वो घर में आ चुके हैं तो अपनी किसी ना किसी हरकत से वो सभी को एंटरटेन करते रहते हैं। वहीं बात करें शहनाज की, तो फर्स्ट डे से ही शहनाज का एक ही मोटो रहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट देना है। अब जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो घर के अंदर ये लड़ाई देखने वाली रहेगी। जहाँ हिंदुस्तानी भाऊ की सब ये बात कर रहे हैं कि ये इंसान फटेगा तो पता नहीं किस किस पे बरसेगा, अब हिंदुस्तानी भाऊ का जो टेंपर है वो भी स्लिप होने वाला है और अब हिंदुस्तानी भाऊ एक बम बनकर फटने वाले हैं, वो भी शहनाज गिल पर। अब घर के दो इंटरटेनर आपस में लड़ने वाले हैं और मुद्दा होने वाला है शहनाज गिल की ओवर एक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तानी भाऊ को लगता है कि शहनाज गिल कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करती हैं, वो अपनी ही बात कहकर भूल जाती हैं। यही बात समझाने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तानी भाऊ शहनाज गिल को, और शहनाज गिल जो है वो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी और कहेगी कि आपको नहीं पता कि मैं इस घर में कितने समय से रह रही हूँ और आप मेरे बारे में इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आता तो मुझसे बात मत कीजिए। और इस बात को लेकर हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे एक तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से तू मुझी पे चढ़े जा रही है। इसके अलावा घर के अंदर होने वाली है एंट्री। दोस्तों आपको बता दें कि टास्क ख़त्म हो जाएगा और अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो देवोलीना और रश्मि का चलते आ रहा था। पिछले 5 दिनों से हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिरकार रश्मि और देवोलीना हैं तो है कहाँ। पहले ये बात हुई कि वो एविक्ट हो चुकी हैं, लेकिन एविक्शन के बाद उन्हें किसी ने भी बाहर नहीं देखा, ना ही किसी तरीके का इंटरव्यू बाहर आया, सिर्फ शेफाली बग्गा का इंटरव्यू बाहर आया था। उसके बाद ये बात हुई कि वो सीक्रेट रूम में है, अब बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में भी नहीं दिखाया कि कहाँ सीक्रेट रूम है और किस तरीके से उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया है और क्या उन्हें घर की बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद एक और बात सामने आई कि उन्हें कहीं और रखा गया है, वो भी छुपाकर, जहां पर वो किसी से बात नहीं कर सकती। बस 5 दिनों के लिए उन्हें घर से बाहर इसलिए रखा गया है कि सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे बिग बॉस कि रश्मि और देवोलीना
बाहर हुई है तो घर में सब लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। अब रश्मि और देवलीना घर से बाहर हुई तो सिद्धार्थ शुक्ला एंड टीम को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन आपको बता दें कि बाहर जनता जो कि उनकी फैंस है उन्हें दुख भी बहुत हुआ था। और 5 दिनों के अंदर घर का समीकरण पूरी तरीके से बदलता नजर आया, क्योंकि घर के अंदर लगभग सभी ने ये बात मान ली थी कि रश्मि और देवलीना अब आउट हो चुकी हैं। लेकिन अब उनकी सरप्राइज एंट्री हुई घर के अंदर और इस एंट्री के साथ ही झूम उठे पारस और माहिरा। पारस और माहिरा जो कि घर के अंदर अपना ही एक अलग टीम बनाते हुए चल रहे थे, जिसमें अब आरहान खान भी शामिल हो गए हैं, और जब से शहनाज गिल ने पलटी मारी है सिद्धार्थ शुक्ला की टीम से, वो भी आ चुकी है इनकी टीम में। बात करें शहनाज गिल की तो शहनाज गिल शुरुआत से ही पलटी मारती नजर आ रही है, शुरुआत में पारस के साथ, उसके बाद देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, और अब वापस से पारस की टीम में। अब इस पलटी मारने का कारण क्या है ये तो वही जाने और उन्हीं की गेम स्ट्रेटेजी जाने, लेकिन वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि उन्हें सिद्धार्थ से बात करनी है, उनसे वापस दोस्ती करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे शेयर करना चाहती है। लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें इग्नोर किया, उन्हें बुरा फील कराया, इसलिए अब वो उनसे दोस्ती भी नहीं रखेंगी। अब ये तो वही बात हुई कि आप अपनी बात को कहकर उसे काट देते हो। शहनाज गिल इस समय घर के अंदर सबसे ज़्यादा डबल फेस्ड गेम खेलती दिख रही हैं, चाहे वो अनजाने में हो या फिर जानबूझकर। अब ये तो उन्हीं की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि गेम किस तरीके से खेलना है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ तो आखिर जाऊँ कहाँ। अब बात करते हैं घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की। घर के अंदर देवोलीना और रश्मि के एंट्री होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम जो कि बहुत पक्के दोस्त हैं, वो समझ जाते हैं कि अब दूसरी टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि अब रश्मि और देवोलीना उनकी टीम में आ चुके हैं। यहाँ पर रश्मि, देवोलीना, उनके अलावा माहिरा, पारस, शहनाज गिल, अरहान खान, तहसीन पूनावाला और खेसारी लाल यादव आपको एक टीम में नज़र आ सकते हैं। वहीं अभी तक हिंदुस्तानी भाऊ का समझ नहीं आया है कि वो किस टीम का साथ देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि हिंदुस्तानी भाऊ सोलो फ्लाई करते हुए नजर आए, और हिंदुस्तानी भाऊ अगर सोलो खेलते हैं तो ये बेस्ट गेम रहने वाला है, क्योंकि उनके फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। घर में काफी समय से टीम बनी हुई थी और अब रश्मि और देवोलीना के आने से अपनी टीम को वो मजबूती प्रदान करती नजर आएंगी। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला आसिम ये बात कर रहे थे कि वो दोनों अब कमज़ोर पड़ सकते हैं और पहले ही वो बिखर रहे हैं और भी ज़्यादा टूट सकते हैं। घर में हर कोशिश की जाएगी आसिम को और सिद्धार्थ शुक्ला को अलग करने की, और यहाँ पर आसिम जो है वो समझ चुके हैं कि उन्हें नहीं होना है सिद्धार्थ शुक्ला से अलग। वो हिंदुस्तानी भाव से बात करेंगे और उन्हें समझाते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके की हैं रश्मि और देवोलीना, किस तरीके से वो मीठी बातों में फंसा कर उन्हें ही नॉमिनेट कर देती हैं, और रीज़न भी ऐसा देंगी कि आपको समझ नहीं आएगा। आसिम की बात जानने के बाद हिंदुस्तानी भाऊ जो हैं ये बात करते हुए नज़र आते हैं शेफाली जरीवाला से कि अब घर के अंदर किस किस को इस बारे में और इस चीज़ का फ़ायदा रहने वाला है। घर के अंदर ये बात हिंदुस्तानी भाऊ शेफाली से कहते हैं कि फ़ायदा होगा कुछ लोगों को, जैसे कि पारस को ये फ़ायदा होगा कि अब तक जो कि सिद्धार्थ शुक्ला उसे दबाया जा रहा था, और रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला जो कि लड़ाई के अंदर एक दूसरे की आवाज़ को दबाते नज़र आते हैं, अब इन दोनों की लड़ाई में पारस फ़ायदा उठाएगा। वहीं माहिरा को भी अलग मोटो मिलेगा। माहिरा जिसके ऊपर इतने टाइम से लालचन लगाए जा रहे थे कि उसकी वजह से ये दोनों बाहर हुई हैं, घर की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो हैं माहिरा ने बाहर कर दी, अब उनको भी पता चल जाएगा कि माहिरा की वजह से वो बाहर नहीं हुई बल्कि अंदर आ गई हैं और अब सबका गेम पकड़ने वाली हैं। वहीं अब शहनाज गिल की बात करें तो शहनाज के साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं रश्मि और देवोलीना को, तो यहाँ पर शहनाज गिल से वो पूछती नजर आएंगी कि तुझ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और पारस इस बात का आश्वासन देंगे कि हाँ मेरी तरफ से फुल ट्रस्ट है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। वहीं शहनाज पर कितना ट्रस्ट कर पाएंगी रश्मि और देवोलीना ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शहनाज के साथ ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं। वहीं बात करें घर के अंदर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की, तो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में अब आरहान खान भी उभर कर नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी सो कॉल्ड लवर यानी कि अगर बाहर की रूमर्स की मानी जाए तो इन दोनों को कपल की तरह देखा जाता है, और अब ये दोनों अगर कपल की तरह घर में गेम खेलते हैं तो ये बड़ा गेम रहेगा। इसके अलावा घर में हैं तहसीन पूनावाला, जिनका अभी तक कोई स्टैंड नजर नहीं आया, जो कि कल आसिम को काफ़ी परेशान करते हुए नजर आए थे, लेकिन आसिम उसके विपरीत हंसते नजर आए। तहसीन पूनावाला का गेम कोई समझ नहीं पा रहा और शायद तहसीन पूनावाला खुद भी नहीं समझ पा रहे। खेसारी लाल यादव किसी को अपनी बात कह ही नहीं पा रहे, क्योंकि जब लड़ाई होती है और वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनकी कोई सुनता ही नहीं है।
अब घर के अंदर कई वाइल्ड कार्ड ऐसे भी हैं जो कि स्ट्रांग बनकर सामने निकल रहे हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी भाऊ। शुरुआत यानी पहले दिन से ही सबको हंसाते गुदगुदाते नजर आए और अब घर के अंदर उनका एग्रेशन भी हमें दिख जाएगा। वहीं शेफाली जरीवाला की अगर बात करें तो शेफाली जो है वो भी घर के अंदर एक स्ट्रांग वुमेन बनती नजर आ रही हैं। जो भी लड़की गर्ल कार्ड प्ले कर रही है वो उन्हें टोकती नजर आ रही हैं और ये बता रही हैं कि घर में जनानियां जो हैं वो कोई गाली की तरह यूज मत कीजिए, बल्कि जनानी जो है मर्दों से कम नहीं होती। वहीं हिमांशु खुराना की बात करें तो हिमांशु खुराना अब घर के अंदर जो मोटे लेकर आई थी कि वो शहनाज गिल को टारगेट कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो अपना अलग गेम खेलती नजर आ रही हैं। वहीं हिमांशु खुराना जो है सिद्धार्थ शुक्ला की साइड हो गई हैं, ये भी एक वजह है कि शहनाज अब दूसरी टीम में जा चुकी है। बात करते हैं घर की कैप्टन आरती के बारे में। आरती यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी कि मैं दो फेमस लड़की यानी कि रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्जी को हरा कर घर में बची हुई हूँ, यानी कि मेरा ओहदा इनसे ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं इनसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई हूँ। अब इनकी जो ये बातें थी इनके ऊपर साफ मिट्टी पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें बल्कि एविक्ट किया ही नहीं गया था, बल्कि उन्हें वापस ले जाने के लिए ही थोड़ी देर बाहर चक्कर लगवाया गया था। 5 दिनों के बाद सब ये समझ चुके थे कि रश्मि और देवोलीना तो अब वापस आएंगे ही नहीं, लेकिन उनकी सरप्राइज एंट्री के साथ ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब घर में कैसे समीकरण बदलता है, कौन किसकी तरफ जाता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज के एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि एपिसोड होने के बाद हम आपके लिए रिव्यू भी लेकर आएंगे और लेकर आएंगे कल की चटपटी खबरें। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।